13 वर्षों से मानवता की सेवा करता संत मोती राम आश्रम सतना का एक ऐसा आश्रम है जहां अब तक 1,30,000 से भी अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। आश्रम की क्लिनिक में प्रतिदिन 6 चिकित्सकों की टीम बैठती है जो अलग अलग तरह की बीमारियों के एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आश्रम की तरफ से ही निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराते हैं। संत मोतीराम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन सुबह 7 से 10 निशुल्क क्लिनिक का संचालन होता है, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पूरी तरह निशुल्क उठाते हैं। आश्रम में IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मर्ज होने की वजह से यहां हर तरह के डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं जो आश्रम में आकर प्रतिदिन अपनी सेवाएं देते हैं। इसके अलावा असाध्य रोगियों, मानसिक रोगी जैसे कई रोगों के लिए यहां से एक पर्चा बनाया जाता है, जिसके बाद सतना के कई निजी क्लिनिक के डॉक्टर्स उन्हें निःशुल्क देखते हैं और उनका उपचार करते हैं। मैं गोपी चंद कापड़ी यहाँ का संत मोतीराम आश्रम का सेवादारी हूँ। संत मोतीराम स्वास्थ्य सेवा केंद्र भी एक इकाई है उनकी, और यहाँ पर मानवता की सेवा निःशुल्क आज 13 साल से हो रही है, और 13 साल के बीच में यहाँ पर 1,30,000 से भी ऊपर लोग निःशुल्क सेवा का लाभ ले चुके हैं। यहाँ से सभी जो डॉक्टर्स आते हैं वो भी अपने निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, और यहाँ पर अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इसमें शामिल हो चुका है। उनके भी नियमित रूप से डॉक्टर हमारे यहाँ, जिनको भी मैं एक दिन पूर्व उनसे अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ उनसे सेवा के लिए, वो दूसरे दिन यहाँ पर आके अपनी सेवाएं निःशुल्क देते हैं। प्रतिदिन लगभग कितने डॉक्टर आते हैं और कौन कौन सी समस्याओं को देखते हैं? लेकिन यहाँ पर जो रोज आते हैं वो 6 डॉक्टर तो पर डे रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा जिस दिन जिस डॉक्टर की भी सेवाएं हमें लेनी होती हैं उनको यहाँ से जो लिख करके पर्ची भेजते हैं आश्रम की, वो उनसे पैसे नहीं लेते हैं। यह भी एक सुविधा यहाँ के मरीजों को प्राप्त है। अच्छा। अगर कोई असाध्य रोगी है, कोई मानसिक रोगी है, तो उनको पास भी वहाँ हम लोग भेज देते हैं, वो उनसे डॉक्टर्स पैसे नहीं लेते हैं। ये गुरु जी के ही आशीर्वाद का प्रताप है कि यहाँ के पर्चे को मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर पिछले 4-5 साल से सेवाओं में आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सेवाओं में आके। डेंटल ही नहीं, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के सब तरह के फैकल्टीज अवेलेबल हैं जो फ्री सेवा प्रोवाइड करते हैं। यंग जनरेशन के जो डॉक्टर्स अभी आ रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको एडवाइस करूँगी या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह की सेवाओं से जुड़ें, बिकॉज इस तरह की सेवाओं से जो आम जनता है जो अफोर्डेबल नहीं है उनको बहुत सारी हेल्प मिलती है हमारी तरफ से। और जुड़ना भी है तो जेन्युइन तरीके से जुड़ें, ऐसा नहीं कि हम आएँ और ऐसी ऊपर से सेवाएँ का नाम देव करें, ऐसा नहीं। हर तरीके से उनकी जो हेल्प हो सकती है अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर।